हेलो फ्रेंड्स आई होप सब लोग बढ़िया होंगे और सबकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी सो so, हम कंटिन्यू करेंगे जोलॉजी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे अवेलेबल है और ये 2016 का पेपर है चलो शुरू करते हैं सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि द स्पंजेज uh, की जो बॉडी प्लान है वो uh, उसको क्या कैरेक्टरिस्टिक है इसके तो इनमें कोई माउथ नहीं होता डाइजेस्टिव uh, कैविटी नहीं होती मसल्स भी नहीं होते और नर्व्स भी नहीं होती, होती हैं तो जो स्पन्जेस है वो क्या है मल्टी सेलोलर ऑर्गेनिज्म है और इनमें जो है बहुत सारे पोर्स होते हैं इनके सरफेस में नेक्स्ट है निडेरियंस द एबिलिटी टू तो निडेरियंस जो है उनमें एबिलिटी होती है जो कि ये फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं और सॉल्ट वाटर में भी रह सकते हैं यानी मरीन और फ्रेश वाटर दोनों के होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है द अपीयरेंस ऑफ गर्ल्स लेट्स इन द अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ वर्टीब्रिड्स वुड इंडिकेट दैट यानी जब अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो गिल गिल्सलेट्स भी जो है उसकी अपेयरेंस होती है तो इसका क्या मतलब है ये है कि जो फिश एम्फेबियन रिप्टाइल्स बर्ड्स एंड मैमल्स आर प्रोबेबली डिसेंडेंट्स फ्रॉम अ कॉमन इंसिसटर यानी ये जो रिकेपिचुलेशन थ्योरी जो है ये इसको बताता है कि एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट जो है वो रिपीट करता है पाथ ऑफ एवोल्यूशन को नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज तो so, फिनोटाइप uh, जो है उसका क्या होता है फिजिकल एक्सप्रेशन जो है उसकी जीन्स का उसके जीनोटाइप का फिजिकल एक्सप्रेशन जो है उसे हम फिनोटाइप कहते हैं नेक्स्ट है वैन एन अमीबा फॉर्म्स सुडोपोडिया अराउंड फूड पार्टिकल्स एंड इंजस्ट इट द प्रोसेस इज़ नोन एज तो इस प्रोसेस को हम इंजेक्शन कहते हैं ऐसा uh, सुडो uh, जैसे ये फूड पार्टिकल है तो अमीबा जो है इसके चारों तरफ सुडोपोडिया जो है बना लेगा और इसको इनगल्फ कर लेगा अंदर की तरफ ले लेगा तो इसे हम इंजेक्शन कहेंगे नेक्स्ट है पैरासिटिक प्रोटोजोआ विच पॉजिज मायोनीम्स मूव बाई तो ये सिलरी मूवमेंट के आ, से जो है इनका मूवमेंट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग फेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ प्लाजमोडियम जो स्पोरोजॉइट है वो जब लिवर में विद इन द लिवर पैन का सेल डेवलप इन टू अ साइजोंट तो ये जो साइकिल है इसे हम कहते हैं प्री रेथ्रोसाइटिक साइकिल इसके बाद ये जो है आरबीसी में चले जाते हैं ब्लड में उसे इिथ्रोसाइटिक साइकिल कहते हैं और ये जो है प्री इरेटिक साइकिल है जो कि लिवर में होती है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ट्यूबीफेक्स एंड अन एनिलीड इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑर्डर तो इसका जो ऑर्डर है वो होता है हैप्लोटेक्सीडिया पर इसकी जो सब क्लास है वो है ओलिगोकीटा ये सब क्लास है इसकी और इसका ऑर्डर जो है वो हैप्लो टेक्सीडिया है नेक्स्ट है बीटल्स हैव माउथ पार्ट्स विच आर तो बीटल्स के जो माउथ पार्ट है वो बाइटिंग एंड चूइंग टाइप के होते हैं नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर हर्माफ्रोडाइटिक हमोफ्रोड वो होते हैं जिसमें दोनों uh, जो मेल और फीमेल है वो सिंगल में प्रेजेंट होते हैं एंड इसमें जो है प्लूनोमेट uh, स्नेल्स uh, जो है दे आर हमोफोडाइटिक थोड़ा काम लग गया मेरे को तो मेम्ब्रेन मेंबर्स ऑफ फाइलम फाइलम गन्ना था इसको कैसे प्रणाम करेंगे तो ये जो है इसके जो मेंबर्स है वो सारे के सारे जो है मोनो uh, ईशियस होते हैं यानी सेपरेट सेक्सेस होते हैं इनमें सिंगल गिल्स लेट ऑन ईच साइड कवर्ड विद ऑपरक्यूलम इज प्रेजेंट इन हाँ uh, सो so ये जो सिंगल गिल्स लेट्स है ये प्रेजेंट है सारे टीलोस्ट में जो कि ऑपर क्यूलम से कवर रहते हैं ऑपर क्यूलम जो है एक बोनी प्लेट होता है जो कि कवर करता है गिल्स को और उनको प्रोटेक्ट करता है इसके अलावा रेस्पायरेशन में भी ये हेल्प करता है नेक्स्ट है द प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड फॉर एनिमल्स लिविंग इन एक्वाटिक इको सिस्टम इज तो प्राइमरी सोर्स जो है वो है फाइ टू नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अमंग लिविंग एम्फीबिया फर्टिलाइजेशन इज़ इंटरनल ओनली इन तो जो एम्फीबियंस हैं उनमें फर्टिलाइजेशन जो है ये जो साल सैलामेंडर्स हैं इनमें ये सिर्फ जो है इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है इटेस्टल अनोरस anor, इनमें इनको सालामेंडर्स कहते हैं और इनमें जो है फ़र्टिलाइजेशन इंटरनल होगा नेक्स्ट है ऑर्डर स्कोमाटा इन रेप्टाइल्स सब डिवाइड इन सब ऑर्डरस तो ये जो सब ऑर्डरस हैं पहला है ऐसे जिसमें लिजर्ड्स आती हैं और दूसरा ऑफिडिया जिसमें स्नेक्स आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट स्पीशीज ऑफ बर्ड इन द वर्ल्ड आर रिप्रेजेंटेड बाय तो मोस्ट uh, जो स्पीशीज़ है वो uh, पैसर फॉर्म्स में मोर देन फिफ्टी परसेंट जो है बर्ड स्पीशीज इसमें आती हैं एनी मोर देन हाफ ऑफ ऑल बर्ड स्पीशीज जो है पैसे फॉर्म में आएंगी नेक्स्ट मेमेलिन एग्स जो है वो क्या होते हैं so, सो मेमिन एग्स जो है वो आइसोलिसिथल होते हैं दे वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ योग क्योंकि जो फीटस है उसको वो न्यूट्रिशन अपनी मदर से मिल जाता है थ्रू द एम्लिकल कॉड या फिर प्लेजेंटा जो आइसोलिथल एग्स रहेंगे स्मॉल अमाउंट में उनको सिर्फ इतनी एनर्जी चाहिए होती है कि वो यूट्रस में जो है इम्प्लांट हो जाए नेक्स्ट डेवलपमेंट ऑफ हुफ ऑफ हॉर्स इज फ्रॉम तो ये जो थर्ड टो है इससे इसका हुफ जो है वो बनता है हॉर्स का नेक्स्ट रिस्टोरेशन इकोलॉजी इज़ एन इम्पॉर्टेंट फील्ड बिकॉज तो रिस्टोरेशन uh, इकोलॉजी में क्या किया जाता है जो रिस्टोरेशन का काम किया जाता है जैसे एफॉरस्टेशन वगैरह किया जाएगा uh, तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे एरिया जो है वो हाईली डिग्रेडिड हो गए हैं नुकसान बहुत हो गया है तो उनको वापस री करना पड़ेगा ताकि आ, सब जो है सही हो जाए नेक्स्ट है एन एनवायरमेंट विच कूड बी इन्हेबिटेड बाई एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म इज़ वन विच लैक्स एसेस ऑफ एसेस टू एक्सेस टू सो देखो ऑक्सीजन के बिना भी रह सकते हैं एनारोबिक नाइट्रोजन के बिना भी रह सकते और लाइट के बिना भी जो ऑर्गेनिज्म रह सकते हैं बट कार्बन के बिना जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे कार्बन इन एनी फॉर्म अगर नहीं होगा तो दैट विल बी नॉट सुटेबल फॉर द दिन फॉर द हैबिटेशन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म नेक्स्ट है ऑल ओशियंस वर्चुअली द सेम तो प्रोपोर्शंस ऑफ सॉल्ट जो है उनमें वर्चुअली सेम होता है यानी जो सैलिनिटी है दैट इज सेम वर्चुअली सेम होती है ऑल ओशियंस में नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स एविडेंस दैट एनिमल्स लिविंग इन ग्रुप इवन दो अनऑर्गेनाइज हैव बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल दैन दो लिविंग अ लोन पहला देखो गीज माइग्रेट द फ्लॉग फॉलोज अ लीडर तो ये ऑर्गेनाइज वे में है और सब जो है जा रहे हैं वेन अ हर्ड ऑफ दर इज ग्रेजिंग द इंडिविजल ऑल्टरनेट इन मेनटेनिंग लुकआउट फॉर एनिमल्स ये भी जो है ऑर्गेनाइज ही है बट जो लास्ट ऑप्शन है लार्ज ग्रुप ऑफ फिश कैन टॉलरेट एन अमाउंट ऑफ पॉइजन इन वाटर दैट वुड किल अ वेरी फ्यू सो ये एक अनऑर्गेनाइज uh, uh, तरीके से ये रह रहे बट बट uh, एक साथ रह रहे और सब सर्वाइव कर पा रहे सो ऑप्शन डी जो है इसका कलेक्ट हो जाएगा इनके सर्वाइवल के चांसेस जो है वो बेटर रहेंगे नेक्स्ट है कार्बन मोनॉक्साइड इज टॉक्सिक टू वर्टी बिकॉज इट तो कार्बन मोनोऑक्साइड की जो एफिनिटी होती है टू बाइंड विथ हीमोग्लोबिन इज मोर देन ऑक्सीजन और स्टेबल कंपाउंड बना लेगा विथ हीमोग्लोबिन सो इसलिए ये टॉक्सिक होता है नेक्स्ट है वन ऑफ द फर्स्ट स्टेप्स इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इज द तो सबसे पहले क्या किया जाता है जो पार्टिकुलेट मैटर है उसमें रिमूव किया जाता है जो uh, उसमें अनसोलिबल जो मैटर होता है उसको पहले रिमूव कर दिया जाता है और बाकी के स्टेप जो है बाद में होते हैं नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज ट्रू चेंज इन अ सिंगल लीनियज इज़ नोन एज तो सिंगल लीनियज में अगर चेंज होगा तो उसे हम कहते हैं एलोपैट्री पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज़ जो है एलोपैट्री में वो स्प्लिट कर जाती है इन टू जोग्राफिकल पॉपुलेशन ड्यू टू चेंज इन देयर जोग्राफी सो सिंगल लीनियज से जो है न्यू स्पीशीज़ फॉर्म हुई है एलोपैट्री में नेक्स्ट है साइटोसकेलेटिन कंसिस्ट ऑफ तो साइटोसकेलेटिन में माइक्रोट्यूल्स होंगी इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होंगे एंड माइक्रो फिलामेंट्स होंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वाई डू सम सिग्नल फर्स्ट मैसेंजर टिगर्स अ सेकेंड मैसेंजर टू एक्टिवेट अ टारगेट सेल तो क्या होता है कि फर्स्ट मैसेंजर जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता इसलिए फिर सेकेंड मैसेंजर जो है वो आता है नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट

तो सेंट्रोमेयर जो है वो एनाफेज में स्प्लिट हो जाएंगे यहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमेयर हो जाएगा एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स हो जाएगा जिससे कि वो अपोजिट पोल्स की तरफ वो मूव कर जाएंगे नेक्स्ट है द प्रोसेस बाय विच अ जीन इज एबल टू यील्ड अ फिनोटिफिक कैरेक्टर इज कॉल्ड उसे हम कहते हैं जीन एक्सप्रेशन नेक्स्ट है म्यूटेशन इन विच देर इज़ द डिलीशन और इंसर्शन ऑफ वन और फ्यू न्यूक्लियोटाइड इस कॉल तो उसे हम कहते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन यानी uh, उसमें या तो देखो सीकुेंस जो रहती है इस इस पोर्शन को अगर हम डिलीट कर देंगे तो ये टोटल जो है uh, इसकी uh, जो रीडिंग है वही चेंज हो जाएगी या फिर कुछ इंसर्ट कर देंगे तो वो चेंज हो जाएगा तो ये फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होता है नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग सेल आर विदाउट एंडो प्लाजमिक रेटिक्यूलम सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो मिच्योर एथ्रोसाइट्स ऑफ मैमल्स यानी आर में नहीं होता है इसमें न्यूक्लियस भी नहीं होता और ई ER आर भी नहीं होता जैसे कि uh, जो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है उसके पास ज़्यादा जो है स्पेस रहेगा टू कैरी ऑक्सीजन नेक्स्ट है ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इज़ ड्यू टू मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जांपल है ये मल्टीपल एलीस तीन तरह के जो है एलिल कंट्रोल कर रहे हैं हमारे ब्लड ग्रुप को सो so, ये मल्टीपल एलेिज्म है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट है केबल जो नेशनल पार्क जो है मणिपुर में वो किसके लिए फेमस uh, है तो ये ब्रो uh, डियर जो है संगाई जिसे हम कहते हैं uh, जिसका कॉमन नेम संगाई है और इसके लिए फेमस है ये uh, जो है ओनली फ्लोटिंग पार्क है ये नेशनल पार्क है 1977 में इसको नेशनल पार्क बनाया गया था इज़ द ओनली फ्लोटिंग पार्क ठीक है और नेक्स्ट है द एंटीजन आर एच इज़ फाउंड इन रीसेस मंगी एंड तो ये ऑलमोस्ट एटी फाइव परसेंट जो ह्यूमन में पाया जाता है तो मोर इन मोर देन थ्री फोर्थ ऑफ ऑल ह्यूमन्स मतलब नॉट ऑल सारे सब में नहीं पाया जाएगा नॉट इन ऑल ह्यूमन्स बट मोर देन थ्री फोर्थ ऑफ ऑल ह्यूमन्स नेक्स्ट है एंटेिक बैक्टीरिया आर दोज बैक्टीरिया डेट लिव इन दो एंटरिक बैक्टीरिया जो है वो ह्यूमन इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में रहते हैं इसका एग्जाम्पल देखो ई e. कोलाई हो गया सालमोली हो गया यर्सिनिया हो गया सो so, ये सारे जो है ह्यूमन इंटेस्टाइनल ट्रैक में रहते हैं नेक्स्ट प्योर कल्चर इज अ कल्चर इन विच सो प्योर कल्चर में एक ही स्पीशीज जो है वो प्रेजेंट रहती है ओनली वन स्पीशीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज प्रेजेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेस एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म और दोज माइक्रो ऑर्गेनिज्म एबल टू ग्रो एट ये हाई प्रेशर पे जो है ग्रो करते हैं ये ग्रो होते हैं इन वेरी डीप मेरीन सेडिमेंट्स तो हाई प्रेशर जोन्स में जो है ग्रो करते हैं नेक्स्ट है द केमिकल सब्सटेंस दैट एंटर्स द क्राप्स साइकिल फॉर फर्दर मैटाबोलिज्म इज ये है एसिटाइलकोवे नेक्स्ट जो है ना वायरस रिमेन्स विद द क्रोमोजोम ऑफ ए होस्ट बैक्टीरियम फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द वायरस डी एन ए इज़ कॉल्ड एंड तो इसे हम एडिनो वायरस कहते हैं ये लॉन्ग uh, टाइम के लिए जो स्टे करता है uh, प्रो वायरस जो है एक वायरस डिनोम होता है दैट इज इंटीग्रेटेड इन टू द डी एन एफ अ होस्ट सेल एंडलो वायरस जो है ये इंसेक्ट पैथोजेनिक वायरसेस होते हैं इनको यूज किया जाता है फॉर पेस्ट कंट्रोल And as a tool to produce recombinant proteins, and endurovirus is a single standard RNA virus. Next question: hai Which of the following characteristic is associated with specialized transduction? So, specialized transduction jo hai, is attached uh, to the bacterial chromosome. नैक्सट ईच ऑफ द फॉलोइंग डी एन ए पॉलीमरीज इन द वायरन एक्सेप्ट तो ई बी वी जो है एप्स्टरीन बार वायरस इसमें ये नहीं होता बाकी सब में जो है ये पाया जाता है नेक्स्ट विच अ स्टेट मेन परटेनिंग टू एस कैर डिज इज इन करेक्ट सो ये एक वन ऑफ द लार्जेस्ट नीमे है बिल्कुल सही है ये एंड इज़ ट्रांसमिटेड बाई इंजेक्शन ऑफ एग्स ये भी बिल्कुल सही है इट कैन कॉज एन्यू ये भी बिल्कुल सही है बट जो लास्ट है बोल डॉग एंड कैट आर इंटरमीडिएट होस्ट ऑफ एसकेरसिमिज ये गलत है नेक्स्ट क्वेश्चन है बारह द ब्रेकिंग डाउन ऑफ सिंगल शुगर टू एल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी इज कॉल्ड तो इसे हम कहते हैं फर्मेंटेशन नेक्स्ट विच हम द फॉलोइंग इज नॉट अ सेचुरेटेड फैटी एसिड ऑइलिक एसिड इज नॉट अ सेचुरेटेड फैटी एसिड ये एटीन कार्बन एटम है एंड वन डबल बॉन्ड जो है इसमें पाया जाता है नेक्स्ट है ईच मॉलिक्यूल ऑफ फैट कंटेन थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लीस्ट्रॉल तीन मॉलिक्यूल फैटी एसिड के होंगे और एक मॉलिक्यूल ग्लीस्टॉरॉल का होगा और ये ट्राई ग्लीस्टराइड बताएंगे नेक्स्ट है एसिटो एसिडिक एसिड एंड बीटा बीटाइड हाइड्रोक्सिक्यूटायरिक एसिड क्वानिटेटिवली इंपॉर्टेंट होता है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी आयर नॉर्मल फ्यूल फॉर तो ये डाइजेशन में जो है आ, काम आते नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच फॉलोइंग इज एन एरोमेटिक अमीनो एसिड तो फिनाइल एलिनिन जो है एक एरोमेटिक अमीनो एसिड है और इसके अलावा टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफेन भी आ, अमीनो एसिड्स होते हैं एक से विटामिन के डेफिशिएंसी जो है उसे क्या होता है तो इससे जो ब्लड काकुलेशन है वो डिस्टर्ब हो जाता है क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आ, इन ब्लड काकुलेशन तो अगर ये नहीं होगा तो ब्लड काकुलेशन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा थाइमीन इज़ अ कॉन्सिटेंट ऑफ को इनजाइम थाइमीन पायरोफॉस्फेट इज अजेंशियल फॉर तो ये कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म और उसके अलावा अमीनो एसिड की मेटाबॉलिज्म के लिए ये इम्पॉटेंट है नेक्स्ट विच एंजाइम इज़ नॉट प्रोड्यूसड बाय पेनक्रियाज़ सो पेनक्रिया जो है वो अमीनो पैप्टाइडिस को प्रोड्यूस नहीं करते बाकी एमाइलेज लाइपेज एंड कार्बॉक्सी पैप्टाइडिस जो है वो पेनक्रिया के एंजाइम्स हैं नैक्स्ट इन मेमुल री एब्बजॉर्प्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस थ्रू हेल्ले के लूप में जो है री एब्जॉर्पन होता है जो इसकी डिसेंडिंग लिप है वहाँ पे मैक्सिमम एब्बॉर्प्शन हो रहा है नेक्स्ट है द ऑर्गेनिज्म इज लीस्ट डिपेंडेंट अपॉन वाटर फॉर एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट तो ये है ग्रास ऑपर ये इंसेक्ट है तो इनको लीस्ट अमाउंट में जो है वाटर चाहिए होता है फॉर एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट नेक्स्ट है द लंग्स आर साइट ऑफ ऑक्सीजन अप टेक इन टू द टिश्यूज द ऑक्सीजन इज़ यूज टू सो ऑक्सीजन जो है वो यूज होता है टू इंश्योर रिलीज ऑफ एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर

पोटाशियम को तो जो है यूरिन से उसमें कंसेंट्रेशन है बट सोडियम एंड वाटर को जो है ब्लड स्ट्रीम में इसकी जो है ये प्रमोट uh, करता है, Next, so का होता है ये प्रिमेटिव जर्म सेल और स्पोमेटोग तो ये जो है प्रजेंट होती है इन बेसमेंट मेम्ब्रेन नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग विंटर माइग्रेटरी बर्ड्स इज़ द एनसेस्टर ऑफ डोमेस्टिक गूज तो ग्रे लेग गूज जो है आंसर आंसर जो है ये इसके एंसेस्टर uh, है नेक्स्ट है विच इज़ नॉट ट्रू ऑफ मैमल्स तो पोजिशन ऑफ एक्सोस्केलेटन ये है एक्सोस्केलेटन होता है जैसे आम डीलो वगैरह में नेक्स्ट है पोजुशन ऑफ फोर चैम्बर हार्ट तो ये भी बिल्कुल सही है कम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है पोजूशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ ये गलत है देखो इसमें एक जो पेंगोलियंस हैं उनमें टीथ होते ही नहीं हैं सो so, ये ट्रू uh, नहीं है अबाउट मैमल्स इसके एक्सेप्शन भी हैं सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो देखो आंसर अगर कोई गलत हो तो आप लोग जो है कमेंट्स में बता सकते हैं मैंने पूरी कोशिश की है कि सही आंसर बताऊं मैं एंड अच्छे से पढ़ाई कीजिए ऑल द बेस्ट थैंक यू